हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बताएंगे कि ग्वार फली का रायता कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने एक कटोरी ग्वार फली लिया है, इसको हमने लगभग ऐसे दो टुकड़ों में काट लिया है। अब इसको तो पहले हमें उबाल लेना है, तो चलिए इसको उबाल लेते हैं। तो हमने कुकर को गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम एक छोटा गिलास पानी डालेंगे और ग्वार फली को भी डाल देंगे इसमें। अब इसको लगभग 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे। ये लगभग हमारा 10 मिनट के अंदर उबल जाएगा, तो इसको अब ढक देते हैं। अब जब तक हमारा ग्वार फली बॉईल हो रहा है, तब तक आइए हम कुछ और कर लेते हैं। तो ये हमने थोड़े से लहसुन लिए हैं, और ये दो हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी राई। अब इन तीनों को मिला करके हमको पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्सी जार में ले लिया है। अब इसको पेस्ट हम तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी मिला के, ताकि पेस्ट हमारा अच्छा सा बन जाए। ये देखिए, हमने इन तीनों को मिला करके पेस्ट बना लिया है, और ये हमारा ग्वार फली भी बॉयल हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम एक छोटी कटोरी दही डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ग्वार फली का रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप खाने के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, और अब आप लोग भी इसको बनाइए और खाइए। अगर आपको ये हमारा ग्वार फली का रायता पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।